गाइज, मच्छर बढ़ने के साथ साथ डेंगू और चिकनगुनिया भी बढ़ रहा है, पर साइंटिस्ट लोगों ने बोला है टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। फ्रेंड्स, साइंटिस्ट लोगों ने ना डेंगू खत्म करने के लिए एकदम यूनिक सा आइडिया निकाला, बोले तो एकदम रापचिक। देखो, बॉलवाचिया नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिसे आप डेंगू का एंटीडोट समझ सकते हो। मतलब ये बॉलवाचिया बैक्टीरिया डेंगू को एकदम खत्म कर देता है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने लेबोरेटरी में ऐसे मच्छर तैयार किए हैं जो कि इस बैक्टीरिया से लैस होंगे, जिसकी वजह से उनमें डेंगू मच्छर नहीं आ पाए। और जब दूसरे मादा मच्छरों के साथ प्रजनन करेंगे तो उनसे होने वाले बच्चे भी इस बैक्टीरिया से लैस होंगे, जिसकी वजह से डेंगू फैल नहीं पाएगा। चलिए तो ठीक है, पर मैं सोचता हूँ कि लेबोरेटरी में इतनी मेहनत क्यों करने का। मच्छर खत्म करना है तो ऐसे कर लो। मारने के लिए ट्रैप तैयार किया है, मैं आपको समझाती हूँ कैसे। तो सबसे पहले मच्छर आएगा, वो सोचेगा कि ये चीनी है। वो जैसे ही इसे टेस्ट करेगा एंड देन उसे रियलाइज होगा, अरे ये तो नमक है। उसके बाद फिर उसे प्यास लगेगी तो वो पानी पीने के लिए इधर आएगा। एंड जैसे ही वो उस पानी को टेस्ट करेगा उसे रियलाइज होगा, अरे ये तो वोडका है। वोडका पीने के बाद उसे चक्कर आएंगे और उसी चक्कर के कारण वो यहाँ से आके इन तीलियों से टकराएगा। जैसे ही इन तीलियों से टकराएगा उसका पैर लड़खड़ाएगा और इन पत्थरों से उसका सर लड़खड़ाएगा।